मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया गया था। इस मर्डर में शामिल हर शार्प शूटर को 5 लाख रुपए मिले थे और बाकी पैसे दूसरे मददगारों में बांट दिए गए थे। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया, उस दिन उनके हत्यारों के पास 10 लाख कैश मौजूद था। आपको बता दें कि मूसेवाला के कत्ल में विदेशी हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ग्लास पिस्टल, जर्मनी की हिटलर एंड कोच P-30 हैंडगन, स्टार पिस्टल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। विदेशी हथियारों को चलाने से पहले इन शूटर्स ने बकायदा इन्हें चलाने की ट्रेनिंग ली और मानसा के नजदीक ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित किसी सुनसान जगह पर इन शार्प शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसके लिए उन्हें बड़ी संख्या में कारतूस भी भेजे गए थे। इसके बाद 29 मई या वो खौफनाक दिन जब सिद्धू मूसेवाला को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली। इस केस में दिल्ली पुलिस ने 3 शार्पशूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।